ये गाजा पट्टी का अलशदी शरणार्थी शिविर था जहां हम लोग रहते थे, लेकिन अब तो ना शरणार्थी शिविर है ना उसमें रहने वाले लोग, क्योंकि इजराइल के हवाई हमले में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है, मकान और इंसान सब। अब लोग मलबे में अपनों को खोज रहे हैं जिससे अगर कोई जीवित बचा हो तो उसे निकाला जा सके। एक शख्स रो रो कर ये कह रहा है कि उसने अपने परिवार वालों को मलबे में दफन होते अपनी आंखों से देखा है। इस बिल्डिंग पर एक रॉकेट रात में आकर लगा जब लोग सो रहे थे, उसके बाद क्या हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। صبح بدري جينا تفاجئنا انه احنا ناس امنين قاعدين في دورنا ما تفاجئنا الا خبطوا البيت خبطوا الدنيا وشايف الدمار وفي تحت الانقاض شهداء عندنا सीवेज सिस्टम तबाह होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, न बिजली है न पानी है और न ही सड़क बची है, न तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। ग्राउंड पर काम कर रहे यूएन के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के करीब 1000 घर इजरायली हमले में तबाह हो चुके हैं और करीब 12,500 घरों को नुकसान पहुँचा है। इस तरह से करीब 3,500 लोग शरणार्थी बन चुके हैं।